कांता की बेटी स्कूल की कॉपी के लिए पैसे मांग रही है। पति का साथ छूटा तो बच्चों की जिम्मेदारी इसी पर आ गई। पर जब भी इसे छोटे मोटे खर्चों की जरूरत पड़ती है तो डाकिया देवदूत की तरह हाजिर हो जाता है और थमा देता है उसकी मासिक विधवा पेंशन। कैलाश लाल को पोलियो ने लाचार किया तो उसकी लाठी और हर महीने मिलने वाली पेंशन ने उसे जीने का हौसला दिया। उम्र के इस पड़ाव में भी गांव के बुजुर्ग अब किसी के मोहताज नहीं है। इन्हें मिलने वाली हर माह की पेंशन इनके चेहरों पर खुशियां लाती है। इस समय उत्तराखंड में 2,71,000 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, करीब 92,000 महिलाओं को विधवा पेंशन तथा 44,365 लोगों को विकलांगता पेंशन दी जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश हैं कि पेंशन के सामाजिक सुरक्षा कवच से कोई छूटने न पाए।